बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर कर रहे हैं मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट के क्वेश्चन आंसर। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम। इसके साथ हमें अपने ज़िंदगी का ये सवाल भी हल करना चाहिए कि तुम्हारा, मेरा और आपका रब कौन है। तो रब ने खुद ही बताया है, कुरान मजीद रब्बे कायनात का तारुफ है। रब को जानने के लिए कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें। रब ने हमें पैदा किया है, वही हमें रिज़्क देता है, वही पालने वाला है, वही मारेगा और उसी के सामने क़यामत वाले दिन हमने खड़े होना है। तो तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें प्यारे बच्चों। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और इंटरजेक्शंस हैं। पहले हम नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन आइडिया। यानी चीज़ों के नाम जो हैं उनको नाउन कहते हैं, और वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। एक्सप्रेस मेंटल और फिजिकल एक्शन। शी स्पोक्स एट द एनुअल मीटिंग। बोलना जो है वो एक एक्शन है, इसलिए वर्ब है। ही थिंक्स अबाउट हिज लाइफ। सोचना भी एक एक्शन है, इसलिए इसको वर्ब कहेंगे। फिर लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स आर एक्सप्लेन्स इट। ही हैज़ बीन बिजी। कौन मसरूफ है? हैज़ बीन जो है वो लिंकिंग वर्ब है। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। हर सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन आर मोर नाउन्स। नाउन्स की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन्स हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स हैं, इनडेफिनेट और डेमोंस्ट्रेटिव। ही लड़के की जगह हिज, शी हर लड़की की जगह। तो एडजेक्टिव जो है ऐड करता है, इससे याद करें, किसको मॉडिफाई करता है या कोई चीज़ ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन में। डिड यू लूज योर ऑफिस कीज। कीज हैं नाउन और ऑफिस कीज, ऑफिस की कीज। सिल्क शर्ट, शर्ट सिल्क की बनी हुई है। 5 मिनट्स 5 मिनट उसको ऐड करता है। और एडवर्ब जो है मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। ही टॉक क्विकली, वो कैसे बोला? तेजी से। शी लेफ्ट येस्टरडे, कल उसने जगह छोड़ दी। वेयर? दे वेंट देयर, वो वहाँ गए। व्हाट डिग्री? टू ह्यूमिड, के बहुत ज़्यादा नमी है। इसी तरह कंजंक्शन जो है इज द वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड आर आइदर बट नार, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बीच में जोड़ते हैं। फिर है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। वो वर्ड्स जो एक वर्ड का दूसरे से रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये देखें कि एप्पल इज ऑन द बॉक्स, ऊपर पड़ा हुआ है, शो कर रहा है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। इन अंदर है, नेक्स्ट आर बिसाइड साइड पे है, इन फ्रंट सामने है। इसी तरह बिहाइंड, बिटवीन, अंडर, थ्रू और अराउंड, ये प्रेपोजिशन है। फिर है इंटरजेक्शन इज एन एक्सक्लेमेशन दैट एक्सप्रेसेस इमोशन। और आप देख रहे हैं कि इसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो ये इंटरजेक्शन, गुडनेस और वाओ इंटरजेक्शन हैं। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये सेंटेंसेस आपकी बुक में हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। अब आप देखें कि इनमें से नाउन कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो नाउन हैं, फर्द अफराद हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, और अटेंड करना जो है वो एक एक्शन को शो करता है, तो इसलिए ये वर्ब है। अब आप देखें कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो अटेंड वर्ब को मॉडिफाई कर ले, कि अटेंड कर रहे हैं कैसे, शौक से।
जो है ईगरली इज अ एडवर्ब, कि उसको वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है। अब आप देखें कि एक टीचर की क्लास की बात हो रही है, तो वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है हर टीचर, बिकॉज शी इज अ फीमेल, खातून है, तो इसलिए हम टीचर की जगह पे हर जो है वो प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप देखें कि मीडिया भी एक नाउन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नाउन है। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो कोई चीज़ यूज़ करते हैं, या तो ज़ुबान से बोलते हैं या आप ख़त लिखते हैं, तो ज़राए जो हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नाउन, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल होते हैं, ईमेल से आप फ़ोन करते हैं, आप ख़त डालते हैं, आप पहले जो हैं वो कबूतर के ज़रिए पैगाम रसानी होती थी। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द मोस्ट पावरफुल, आप देखें कि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, मोस्ट पावरफुल इज़ अ एडजेक्टिव उसकी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मीडिया तो हमें पता है कि नाउन है, अटेंशन भी नाउन है, और ऑडियंस नाजरीन ये भी जो है वो नाउन है। जब आपने देखा होगा कि आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं चीज़ को वॉच करने के लिए, उनको ऑडियंस कहते हैं। द असेंबल्ड स्पेक्टेटर्स आर लिसनर्स एट अ पब्लिक इवेंट आर कॉल्ड ऑडियंस। अटेंशन भी नाउन है, नोटिस टेकन ऑफ समवन आर समथिंग, जब हम कोई चीज़ गौर से देखते हैं, हमें तवज्जो करती है, तो उसको अटेंशन कहते हैं। अब आप देखें कि ऑडियंस को तादाद बता रहा है, ऑफ अ वेरी लार्ज, के बहुत बड़ी तादाद है, तो ये मॉडिफाई जो कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, अ वेरी लार्ज। अब जैसे ये आपके सामने है, स्मॉल है, लार्ज है, और ऊपर डायनोसॉर इज वेरी लार्ज। नेक्स्ट अट्रैक्ट्स जो है खींचना, वर्ब आप यानी पुल कर रहा है, जिस तरह से एक मैग्नेट होता है, एक मकनासीस होता है, वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, तो इट इज अ पुल इज अ अट्रैक्ट इज अ एक्शन वर्ड और वर्ब। अब नेक्स्ट है गुड, इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब आप इसमें देखें कि नाउन मीडिया है, वर्ल्ड है और विलेज है। अब नाउन को जो है वो क्या चीज़ मॉडिफाई कर रही है, बता रही है कि ये ग्लोबल है, कि ये आलमी विलेज बन चुका है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव हम कहेंगे। हैज़ बिकम जो है वो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, दो चीज़ों के लिंक को इस्तेमाल करने के लिए वर्ब यूज किया गया है। फिर गुड इंटरजेक्शन है कि इमोशन को बता रहा है इसमें, और आप देख रहे हैं कि इसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी कैन हैव एन इजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। तो काइंड्स, इंफॉर्मेशन और मीडिया ये नाउन्स हैं, और उसके बाद क्योंकि अकसाम के लोग होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वी स्टूडेंट और टीचर की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो वी इज़ अ प्रोनाउन, इट रिप्लेसेस द नाउन, तो ये प्रोनाउन है। इजी और आल जो हैं वो नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव्स हैं। और वर्ब कैन हैव और एक्सेस, ये वर्ब हैं, ये एक्शन बता रहे हैं कि पहुंच भी हैं, और कैन हैव लिंकिंग वर्ब है। फिर नेक्स्ट जो है सेंटेंस है, मैडम इन माय ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। तो इसमें बहुत सारे नाउन इस्तेमाल हुए हैं, मैडम, ओपिनियन, मीडिया, रोल और सोसाइटी। तो आप देखें कि एक सेंटेंस में एक जो है पार्ट वो ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है। अब इसमें रोल के लिए क्या एक्स्ट्रा ऐड क्या हो रहा है,
कंस्ट्रक्टिव तामीरी, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। और इन माई ओपिनियन, स्टूडेंट को रिप्लेस किया माई ने, तो ये प्रोनाउन आ गया। प्लेस अदा करना जो है वो एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब है। और इन मेरी, मेरे ख्याल के मुताबिक, तो ये प्रेपोजिशन है जो दो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मीडिया हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। अब आप ये देखें कि मीडिया और इम्पैक्ट नाउन है, और अब जो है करेक्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इम्पैक्ट को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो करेक्टिव इज एडजेक्टिव। और अब इसमें जो है वो वर्ब जो है वो है इट, इफ इट वर्क्स, यानी मीडिया अगर सही काम करे, तो यहाँ पे मीडिया दोबारा लिखने की बजाय इट लिखा गया, तो ये प्रोनाउन है। और फिर इस सेंटेंस में वर्क्स वर्ब है कि वो काम करता है, एक्शन वर्ड है। और ऑनेस्टली कैसे काम करता है, ईमानदारी के साथ, तो वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है ऑनेस्टली, और ये एडवर्ब है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और